हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, इंडियन एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए 30+ जीके के क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 19 से 22 मार्च के बीच में उसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें से लगभग 10-12 सवाल जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सवालों को अच्छे से कीजिएगा, रट जाइएगा। और आज से मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं, तो अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं इंडियन नेवी MRSSR और AA के लिए टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि 5, 6 और 7 फरवरी को होने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि इन सवालों को आप अच्छे से रट जाएंगे और नोट भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं लेके आ गया हूं ये टॉप 30 क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टा आईडी आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने भी रिव्यूज हैं उन्हें आप अच्छे से देख लेना, सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक दी हैं, जितने भी रिव्यूज मैंने अब तक दिए हैं, वो सभी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर वन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? द वर्ल्ड फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरवन बिलोंग्स टू विच रिवर्स? गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा दामोदर, कृष्णा एंड पद्मा सुरमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों से संबंधित है सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हुज फॉरेस्ट कवर एरिया इज हाईएस्ट? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड असम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल, यानी कि जो वन से भरा हुआ पार्ट है वो सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक वन है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर दी ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला और असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला। दी ट्रॉपिकल इवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया आर फंड इन केरला। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो केरला में, यानी केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? वेयर इज कालीबंगा लोकेटेड? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत और चीन की उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? विच लाइन डिमार्केट्स द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड चाइना? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन एंड नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन की उत्तरी पूर्व सीमा का सीमांकन करती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंडियाज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम। असम जो है भारत का राज्य है वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि असम इज द इंडियाज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट। ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित की जाती है, चाय के बहुत सारे बगान आपको असम में ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा राज्य है तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता होगा। नेक्स्ट है, रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? विच वन इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ रबड़?
तमिलनाडु, असम, केरला एंड कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरला। केरल जो है ये रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। केरला इज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ रबड़। यहाँ पे कुल उत्पादन के यानी जो पूरे देश में उत्पादन होता है रबड़, उसका 90% केरला में उत्पादित होता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितना बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिगबोई क्यों प्रसिद्ध है? वाई इज डिगबोई फेमस? पॉलीथीन के लिए फॉर पॉलीथीन, एल्यूमिनियम के लिए फॉर एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम के लिए फॉर पेट्रोलियम और यूरेनियम के लिए फॉर यूरेनियम। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई इज फेमस फॉर पेट्रोलियम। डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 9 नंबर, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन परियोजना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कृष्णा रिवर पे, कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना है और आप लोगों को दो चीज़ें मिल सकती हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की जगह पे तेलंगाना आपको ऑप्शन में मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश मिल जाए। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे ये मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपको पूछा जाए कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आपको टिक करना है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चाइनीज ट्रेवलर फाहयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? कनिष्क, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू और हर्षवर्धन। गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चंद्रगुप्त टू यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में फाहयान जो है वो आया था भारत में। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर फाहयान केम टू इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त टू रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डिड अलेक्जेंडर डाई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन एंड जेड्रेसिया। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। इन 1943 आज़ाद हिंद फौज केम इनटू एग्जिस्टेंस। जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में और तत्कालीन मलाया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जापान में। जापान में 1943 में आज़ाद हिंद फौज जो थी वो आई एग्जिस्टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? द लेंथ ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग इज द रेशियो ऑफ विद, यानी कि लेंथ और विद का रेशियो कितना है? 2:3, 3:2, 3:4 और 4:3। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 3:2 इज द रेशियो ऑफ इंडियन फ्लैग, 3:2 इज द रेशियो ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग? 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वज गीत के रचयिता हैं? हु आर दी कंपोजर्स ऑफ दी फ्लैग सॉन्ग? श्याम लाल गुप्त, कर्नल राम सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर एंड रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी श्याम लाल गुप्त इज दी कंपोजर ऑफ दी फ्लैग सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? 5th जून, 27th जून, 11th जुलाई और 29th अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑन 11th जुलाई इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ विच प्लेयर्स बर्थडे? सुनील गावस्कर, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह एंड जयपाल सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ध्यानचंद। ध्यानचंद के बर्थडे पे, जन्मदिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये हॉकी के खिलाड़ी थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून,
11 जुलाई, 5 सितंबर और 12 ऑफ अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ इज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? हिंदी, गुजराती, बांग्ला एंड अंग्रेजी। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी गई है। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस साइंटिस्ट? जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साह और एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलिस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस तिलिस्मी नॉवेल चंद्रकांता? देवकी नंदन खत्री, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अलबरूनी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं यही ऑथर हैं तिलिस्मी नॉवेल चंद्रकांता के। नेक्स्ट है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? द फर्स्ट एनिमल विच मेड द प्राइमेस्ट एनिमल बाई प्रिमोर्डायल? बैल, कुत्ता, गाय और हाथी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले आदि मानव ने अपना पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट तिमोर की राजधानी है? द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर इज दिल्ली, पोर्ट विला, मजूरो और हून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर, यानी पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेसल्स की राजधानी है? कैपिटल ऑफ सेसल्स इज सुआ, विक्टोरिया, कोडोर और सानजुआन। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि विक्टोरिया इज द कैपिटल ऑफ सेसल्स। सेसल की राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड, स्वीडन, स्पेन और डेनमार्क। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि स्पेन की मुद्रा यूरो होती है। यूरो इज द करेंसी ऑफ स्पेन। इन चारों देशों में स्पेन की मुद्रा ही यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? हु इज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? जनरल करियप्पा, जनरल मोनेक्सो, जनरल रॉडिक्स और जनरल जगजीत अरोड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि जनरल मोनेक्सो वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनेक्सो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने न्यायाधीश बनने वाली प्रथम भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ICJ जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसमें कौन थे जो कि फर्स्ट न्यायाधीश बने थे? एस अहलुवालिया, ए एस आनंद, एच जे कानिया और नागेंद्र सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एस अहलुवालिया, ए एस आनंद, एच जे कानिया और नागेंद्र सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नागेंद्र सिंह जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करमवीर सिंह, बिपिन रावत, BS धनोआ और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि करमवीर सिंह इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। रखिएगा, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ? बर्थ प्लेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, कोलकाता, मुंबई, देहरादून और लखनऊ। राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि कोलकाता। कोलकाता इज द बर्थ प्लेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कौन सा हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदा है? तेजस, गरुड़, अपाचे और नन ऑफ दीज। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अपाचे जो हेलीकॉप्टर है ये भारत ने अमेरिका से हाल ही में खरीदा है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि जो आपका कल और परसों 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, रट जाइएगा इन सवालों को। तो बस ये क्वेश्चन कराने थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना। दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप जाकर के जरूर से ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।